ये सेवंथ क्लास क्वेश्चन नंबर टेन एक्सरसाइज वन दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इन साइड इट एक वाटर टैंक है उसके अंदर की तरफ जो है स्टेयर है स्टेप्स है अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप एक मंकी जो है सबसे ऊपर वाली स्टेप पे बैठा है इट मीन्स फर्स्ट स्टेप पे वो बैठा है द वॉटर लेवल इज एट दाइन्थ स्टेप वाटर लेवल जो है वो नाइन्थ स्टेप पे फर्स्ट स्टेप पे मंकी है और नाइन्थ स्टेप पे जो है वाटर लेवल है फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है ही जंप्स थ्री स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक टू स्टेप्स अप वो क्या करता है तीन स्टेप नीचे जाता है और दो स्टेप ऊपर जाता है इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल वो कितने जम्प में है वाटर लेवल पर पहुँच जाएगा चलिए हम इसे ऐसा सॉल्व करते हैं ये हमारा वाटर लेवल है और यहाँ पे मंकी है फर्स्ट स्टेप पे वो क्या करता है कि थ्री स्टेप डाउन आता है फिर टू स्टेप अप चला जाता है चलिए वन से थ्री स्टेप डाउन है वन टू थ्री यानी कि वन से वो कहाँ पे आया फोर्थ स्टेप पे बट वो क्या करता है वापस चला जाता है टू स्टेप ये आपका वो वापस चला गया टू स्टेप इट मीन्स अब वो सेकेंड नंबर पर बैठा है सेकेंड स्टेप पर अब सेकेंड से जब वो थ्री जंप नीचे जाएगा तो वो फिफ्थ स्टेप पर आ गया फिफ्थ से फिर टू स्टेप अप में चला जाता है वो तो वो थर्ड पर आ गया ठीक है अब वो थर्ड से फिर जंप करेगा थर्ड से कहाँ आएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स अब सिक्स से बैक जाएगा माइनस टू करोगे आप तो फोर्थ पे पहुँच जाएगा क्योंकि वो थ्री स्टेप डाउन में आता है तो टू स्टेप अप चला जाता है <coughs> अब वो फोर्थ स्टेप पे है, है, है। फोर्थ से वो आया थ्री स्टेप करके सेवन स्टेप पे सेवन से फिर बैक जंप करता है सेवन से वो पहुँच जाता है सेवन माइनस टू यानी कि फाइव वन टू जंप हो गए अब फाइव से फिर वो जंप करता है फाइव से कहाँ आता है फाइव प्लस थ्री एट्थ पर एथ से फिर बैक जंप करता है वो पहुँच जाता है सिक्स स्टेप पे सिक्स है अब सिक्स से फिर जंप करता है वो कहाँ पहुँच जाता है नाइन्थ स्टेप पे अब नाइन्थ स्टेप पे तो वाटर लेवल है तो उसको बैक जंप करने की ज़रूरत नहीं है लेट्स काउंट द जंप अब हम उसके जंप्स काउंट करते हैं उसने कितने जंप किए देखिए पहले हम इस साइड के करते हैं जो उसने डाउन में जंप किए हैं ये है आपके वन uh, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इस साइड में उसने डाउन में सिक्स जंप किए ठीक है अब आपकी तरफ उसने कितने जंप किए देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो ये फाइव जंप उसने ऊपर की तरफ किए हैं और ये माइनस में सिक्स नीचे की तरफ किए हैं इट मीन्स उसने टोटल कितने जंप किए हैं सिक्स प्लस फाइव इलेवन इलेवन जंप उसने किए हैं तो इलेवन जंप में वो अपना वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा यही फर्स्ट क्वेश्चन था तो आप आंसर में क्या लिखोगे ही विल रीच द वाटर लेवल इन इलेवन जम्प्स चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट है जो एक और मेथड से सॉल्व करते हैं आप क्या लिखेंगे इन फर्स्ट जंप ही विल रीच ऑन फोर्थ स्टेप फर्स्ट जंप पे वो फोर्थ स्टेप पे आ गया क्योंकि फर्स्ट प्लस थ्री फर्स्ट से उसने थ्री जंप किया तो वन प्लस थ्री फोर हो गया फिर वो बैक जंप करते हैं तो हम उसे नेगेटिव नंबर से शो कर लेते हैं मतलब वापस आ जाता है वो तो फोर माइनस टू फिर सेकेंड नंबर पर आया फिर सेकेंड से थ्री जंप आगे नीचे की तरफ के वॉटर के टू प्लस थ्री फाइव हो गया फाइव माइनस टू देन फिर थ्री एंड थ्री प्लस थ्री सिक्स आपने क्या करना है एक बार प्लस थ्री करना है एक बार माइनस टू करना है क्योंकि बैक में चला जाता है वो स्टेयर के तो आ, आपने इसको तब तक प्लस माइनस करते रहना जब तक आपका नाइन्थ स्टेप नहीं आ जाता यहाँ हमारा नाइन्थ स्टेप आ जाता है तो अब आप काउंट कर सकते हो जैसे मैंने प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू जो भी नंबर आता है मैंने यहाँ किया और मैंने तब तक इसको प्लस माइनस किया जब तक मेरा नाइन्थ स्टेप नहीं आ गया तो अब देखिए उसने कितने टोटल स्टेप या टोटल जंप किए उसने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन हमने दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके देखा दोनों में ही आंसर क्या आया इलेवन जंप्स Now second part after drinking water he wants to go back for this he jump four step up and then jump back two steps down in every moment every move in how many jumps will he reach back the top step अब वो क्या करता है जब पानी पी लेता है उसके बाद वापस जाना चाहता है तो वापस में भी वो यही करता है four step ऊपर करते हैं तो two step down में आ जाता है फोर स्टेप फिर ऊपर करते टू स्टेप डाउन में आ जाता है ऐसे करके अब ये पूछ रहे हैं कि वो फर्स्ट स्टेप पे कितने जंप में पहुंच जाएगा अब हमने बैक चलना है चलिए इसके सेकेंड पार्ट को भी हम नंबर लाइन से शो कर uh, करके फिर इसको सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसका पार्ट वन किया था तो अब देखिए हाँ, अब हमारा मंकी जो है यहाँ पे इसने वाटर ड्रिंक किया अब ये क्या करता है फोर स्टेप अप करता है ऊपर की तरफ जाता है फोर स्टेप करता है तो चलिए हम फोर स्टेप करते हैं वन टू थ्री एंड फोर ये फोर स्टेप करता है और ये यहाँ पहुँच जाता है फिफ्थ स्टेप फिर ये क्या करता है दो स्टेप नीचे की तरफ आ जाता है फाइव के बाद यहाँ पे वन एंड टू तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ आया यानी कि सेवन स्टेप पर वो पहुँच गया अब क्या करता है सेवन स्टेप से फिर फोर स्टेप ऊपर जाता है सेवन से हम काउंट करेंगे वन टू थ्री एंड फोर ये सेवन से फिर उसने जंप किया ये थर्ड स्टेप पे आ जाता है ठीक है अब वो क्या करता है फिर नीचे की तरफ दो स्टेप आता है वन एंड टू यानी कि वो फिफ्थ स्टेप पे पहुँच जाएगा फाइव से फिर फोर जंप ऊपर करेगा वन टू तो, थ्री एंड फोर अब फाइव से ऊपर गया तो ये फोर जंप आ गया तो फोर जंप करके वो कहाँ जाता है फर्स्ट पे. यहीं तक हमने जाना था तो अब हम काउंट करते हैं कि उसने कितने जंप किए चलिए आप में जो जंप किए हैं वो काउंट करते हैं वन टू थ्री ठीक है जब वो वापस आया तो कितने जंप उसने किए फोर एंड फाइव टू जंप उसने इधर किए थ्री जंप उसने आप किए हैं ठीक है तो टोटल कितने हो गए फाइव जंप्स चलिए अब इसको सेकेंड मेथड से भी करते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था इन फर्स्ट स्टेप ही विल रीच फिफ्थ स्टेप कैसे नाइन से जब वो ऊपर की तरफ गया तो वो नंबर uh, जो है माइनस हो गए नाइन माइनस वो फाइव फाइव से फिर नीचे चला गया यानी कि सेवन स्टेप पे पहुंच गया सेवन से फिर ऊपर गया यानी कि हमने माइनस फोर प्लस टू माइनस फोर प्लस टू तब तक करना है जब तक हमारा वन नहीं आ जाता फर्स्ट स्टेप नहीं आ जाता अब देखिए फाइव प्लस टू सेवन देन सेवन माइनस फोर थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव माइनस फोर वन तो अब ये देखिए कितने स्टेप हुए वन टू थ्री एंड फोर तो आप आंसर में क्या लिखोगे ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप इन फाइव जम्प्स फाइव जम्प्स नाउ थर्ड पार्ट द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इन रिप्रेजेंट बाई नेगेटिव इंटीजल एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव आप पॉजिटिव इंटीजल जो डाउन में अगर वो आता है तो नेगेटिव नंबर यूज करते हैं और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव तब इसने बोला वन एंड टू ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है इसका बाई कम्प्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल आपने ऐसे करना है जैसे हमने किया था माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू तब तक हमने करना है जब तक ये माइनस uh, एट नहीं आ जाता और ऐसे ही ऊपर uh, की तरफ जब गए फोर माइनस टू प्लस फोर माइनस टू प्लस फोर माइनस टू आपने तब तक करना जब तक आपका एट नहीं आ जाता है अब देखिए उसके बाद ये क्या बोलते हैं सो वट विल द सॉरी यहाँ पे है यस द सम माइनस एट एट रिप्रजेंट गोइंग डाउन बाई एट स्टेप माइनस एट का मतलब है वो एट स्टेप नीचे की तरफ जाता है सो वट विल द सम एट इन बी रिप्रेजेंट तो बी में जो है सम एट जो है प्लस पॉजिटिव एट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो डाउन में गया है और ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अप में गया है तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे इन सेकेंड ये सेकेंड पार्ट है न बी पार्ट है ना तो इन सेकेंड द सम एट रिप्रजेंट्स गोइंग अप एट स्टेप गोइंग अप यहाँ पे गोइंग डाउन है तो आपने लिखना है गोइंग अप एट स्टेप्स तो यहीं आपका ये एक्सरसाइज़ वन पॉइंट वन भी फिनिश होता है ये ख़त्म हो जाता है तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है